अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं, वो ज़रूर तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। हमारा ताल्लुक उस ज़ात से है जो बिन मांगे इतना दे रहा है, तो सोचो फिर मांगने पर क्यों नहीं देगा। अगर तुम अल्लाह से बातें करते हो और अपने हर गम खुशी उसे बताते हो तो बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है और अनकरीब वो सब अता करेगा जो तुम अपनी दुआओं में मांग रहे हो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हया करने वाला है, जब बंदा उसकी तरफ हाथ उठाता है तो उसे दोनों हाथ को खाली नामुराद वापस करने में शर्म आती है। तुम अपने अल्लाह पर यकीन रखो, बहुत जल्द तुम्हें पसंदीदा चीज़ से नवाज देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है, उसे पुकारता है, तो ये उसकी बंदगी के सबसे बुलंद दर्जा होता है। दुआ करते रहने की सूरत में हरगिज़ कोई शख्स हलाक न होगा। जिस रब ने तुम्हारे दिल में बात डाली, फिर हाथ उठाकर मांगने की तौफीक दी और साथ में कबूलियत की उम्मीद दिलाई, तो कैसे हो सकता है कि वो रब दुआ कबूल न करे। यकीन रखो, कबूलियत की खुशी ज़रूर मिलेगी। जो तकलीफ़ें पहले आई थीं, क्या वो याद है तुम्हें? वो किसने मिटाई? यकीनन अल्लाह ताला ने ही। तो परेशान न हो, अब भी वही तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा, तुम्हें याद भी न रहेंगे अपने गम। जिसने ज़िंदगी दी है उसने कुछ तो सोचा होगा। फिर दुआ करके मायूस नहीं होते, देने वाले पर यकीन रखते हैं। अल्लाह आजमाता है तुम्हें उस चीज़ से जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। अल्लाह मिल गया तो वो तोहफा तुम्हें अता कर देगा जो तुम चाहते हो। अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते, अल्लाह उनके लिए उनकी चाहत में बेहतरी पैदा करते हैं, फिर वो चीज़ें हो या लोग, सब मिल जाते हैं। तुम बाकायदगी से नमाज और कुरान पढ़ने लग जाओ, यकीन करो रब तुम्हारी सब मुश्किल दूर कर देगा। रब के यहाँ देरी असल में तुम्हारी बेहतरी है, वो बेहतरीन से नवाजना चाहता है, तुम बस मांगना मत छोड़ो। अगर कुछ मसले हल नहीं हो रहे हों तो इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ को थाम लो, दुआ को बढ़ा दो, अल्लाह पाक ज़रूर रास्ता बना देगा। कुछ ठोकरें गहरी इसलिए होती हैं ताकि हम जान जाएं कि हम लोगों के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह के बगैर नहीं रह सकते, तो इसलिए दुआ को मजबूती से थाम लें। जज़ाकल्लाहु खैरन।